नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं भागवत संदेश, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो संदेश जो उन्होंने 17 सितंबर 2009 को अहमदाबाद में दिया। इसमें उन्होंने हिंदुत्व के विषय पर अपने विचार रखे। विषय है हिंदुत्व का और हिंदुत्व की अपनी एक मानसिकता है जिसमें गए बिना उसको समझना बड़ा कठिन है। हमारे एक संघ चालक थे विदर्भ में, जलगांव जामुद नाम का स्थान है, वहां के वकील थे डिडोलकर। उनका लड़का अमेरिका में था तो पति पत्नी दोनों वहां गए, तो उनकी आयु काफी हुई थी, 75 पार कर चुके थे। वहां गए लड़के के यहां, एक दिन विश्राम होने के बाद उसने सोचा कि आसपास पड़ोस में जो लोग थे उनको बुलाएंगे, जरा पिताजी का परिचय वगैरह करा देंगे। आसपास सब गोरे लोग ही रहते थे, तो पार्टी एक घर में हुई, उसमें वो सब लोग आए, उनका परिचय हुआ। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी दोनों को देख के और उनको प्रश्न पूछा गया कि आप ये कितने दिन का विवाह है आपका? तो वकील साहब ने कहा कि 50 साल। बोले 50 साल से विवाहित है? हाँ, एक ही पत्नी। ना एक ही पत्नी, कमाल है। तो आपको ये कमाल लगती, ये तो साल में एक बार प्रार्थना करती है 7 जन्म यही पति मिले। अब ये देख के तो उनको समझ में ही ना आए, अब ये समझ में नहीं आ सकता। वहां पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि भारत में ऐसा होता है, लेकिन कैसा होता है इसकी कल्पना नहीं हो सकती। उसके लिए यहां के मन मानस में घुसना पड़ता है। अब दुर्भाग्य यह है कि 150 साल हम अंग्रेजों के गुलामी में रहे और 1857 के बाद तो उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा कि सारा हमारा दृष्टिकोण ही छूट जाए और उनके चश्मे से दुनिया को देखने की आदत हमको लगे और हम सब उसी पद्धति में से निकले। तो काफी प्रयास करने के बाद सारे भारतवर्ष में सैकड़ों लोग होंगे ऐसे कि जो शुद्ध हिंदू मनमानस से हिंदू विचार कर सकते हैं, लेकिन हम सबके विचार में बाकी लोगों के कहीं ना कहीं कोई पाश्चात्य पुट चढ़ ही जाता है और जब वो चढ़ता है तब समझना कठिन होता है, वर्णन करना भी कठिन होता है, क्योंकि जैसे अपना मनमानस है वैसी अपनी परिभाषा भी है, पैराडाइम भी है।